जुनैद साहब जी, अजीजी साहब, हाय हाय हाय, यार जुनैद साहब जी, अजीजी साहब, हाँ हाँ यार जुनैद साहब जी, अजीजी साहब, हाय दिल करता है इसी पे प्रोग्राम खत्म कर, अजीजी साहब, हाय 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 यार जुनैद साहब, चलो आप बोलो भी यार, आ गया अपनी आई पे जुनैद जी, यार तुम चूंकि एक मुक्तदिर दानश्वर हो, एक मशवरा तुमसे लेना चाहता हूँ। यार अमेरिका का वीजा तो लगवा दो। मैं लगवा दूं? ओ भाई, जितनी मैं अमेरिका की मदा सराई करता रहता हूँ, कोई वीजा लगा भी होगा तो कैंसिल हो जाएगा मेरे कहने पे। नहीं, मैंने भी नहीं लगवाना खुद, मुझे भी पता है कि जितना मैं ओबामा के कानों पर रिसर्च करता हूँ, मेरा भी लगना तो नहीं वीजा। यार मेरा एक नेफ्यू है, उसका भतीजे का नेफ्यू कहते हैं, मेरे नेफ्यू का एक दोस्त है, वो बेचारे ने वीजा अप्लाई किया हुआ अमेरिका का, अब उन्होंने उसको भेज दिया कि भाई जी जाओ, इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर आपका वीजा लगेगा। अच्छा। उसने पूछा है जी कितनी देर की इन्वेस्टिगेशन होती है, उन्होंने फौरन खिड़की से पासपोर्ट बाहर कर दिया, ये पूछना है तो ये पकड़ो पासपोर्ट और चलो दौड़ो। अंग्रेजी में कहा होगा चलो दौड़ो, चलो गवर्नमेंट कौन? वो बेचारा कहता नहीं जी, मैंने तो वैसे ही पूछा है, कहते हैं इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। वो बेचारा बड़ा परेशान है, कुछ 4 महीने तो हो गए हैं पासपोर्ट गए हुए, उसने वहां अमेरिका अपने किसी आगे को नेफ्यू या कजन को पूछा है, उसने बताया कि चुप करके पासपोर्ट रहने दो, उनके पास बहुत इन्वेस्टिगेशन होती है, यहाँ पे कई कई दो दो तरह तरह एजेंसियां, कई दफ्तर महकमे हैं जो इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। कितनी कितनी एजेंसियां? दो तरह को एजेंसियां हैं, कोई ISI वाले, कोई वाशिंगटन इन्वेस्टिगेशन वाले। अल्लाह का वास्ता, ISI को कहाँ भेज रहे हो? ISI वाले यार, मैं माफी चाहता हूँ। देख तो यार, ये अंग्रेजी के जो ISI, SEI, CIA ये ना मुझे समझ नहीं आती। तुम्हें सिर्फ FBI और CIA का पता है ना? FBI वाले, हाँ जी, सुन लो, A से लेकर Z तक जितने इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं ना, कोई एक एक अल्फाबेट से कम से कम अमेरिका के जो खुफिया इदारे हैं, 4-4 या 5-5 की तादाद में उनके नाम शुरू होते हैं। Don't tell me. जी जी, तुम्हारे ख्याल में अमेरिका में मजमूई तौर पर कितने खुफिया इदारे होंगे, कितनी खुफिया एजेंसी होंगी, सरकारी भी और गैर सरकारी भी? 7-8 बढ़ाओ थोड़े से, 12-13 बस छोड़ दो, तुम काबो ख्याल में भी उस तादाद तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो अमेरिका का मौकर तरीन मुस्तनद तरीन अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, उसने एक रिपोर्ट शाया की है 4 या 5 दिन पहले, जिसमें उसने इंकशाफ किया है कि इस वक्त अमेरिका में 1271 सरकारी खुफिया इदारे मौजूद हैं और 1931 निजी या प्राइवेट खुफिया एजेंसियां और इदारे काम कर रहे हैं। हाय 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 हाय, कहो ये रा, डोंट टेल मी, आप कह देना जी साहब। नहीं, मेरा तो ओए होए 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 निकला है। ओ यार, इतनी एजेंसियां, मुझे लगता है इनकी जो CIA है ना, वो को मच्छी है और उसने ये अंडे दिए, क्योंकि इतने तो अंडे भी मच्छी दे सकती। अच्छा, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 साल पहले अपनी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग पर काम शुरू किया था। अच्छा। जो उसने 4-5 रोज पहले शाया की है, और उसने अपनी इस रिपोर्ट के लिए वजीरे दिफा से भी इंटरव्यू किया है, CIA चीफ से भी किया है, और कमोबेश 1500 से ज्यादा लोगों से इंटरव्यूज करके अपनी ये रिपोर्ट कंपाइल की है, जिसके मुताबिक इस वक्त सिर्फ अमरीका के अंदर 51 ऐसे खुफिया इदारे हैं जो सिर्फ दहशत गर्दों को जो रकूमात की मुंतकली होती है उसका सुराग लगाने में मसरूफ हैं। 51 एजेंसीज, बल्ले 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 बल्ले, बिल्कुल होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी उधर गए हुए ना बेचारे मेहनत मजदूरी करने, उनको भी आप पैसे इधर भेजना बड़ा मुश्किल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सारा बजाहिर तो एक अमरीकी शहरी के लिए एक बड़ी मतलब हौसला बढ़ाने वाली बात है ना, कि इतनी खुफिया एजेंसियां कौमी सलामती के लिए, उनकी जान की हिफाजत के लिए काम कर रही हैं। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि इतनी बड़ी तादाद में एजेंसियां, बजाय ये कि दहशतगर्दी के खतरे को कम करें, वो दहशतगर्दी के खतरे को बढ़ाने में मुमद मावन साबित हो रही है। हेलो, अब सवाल ये पैदा होता है, वो कैसे? Exactly. इसलिए कि कम से कम 8,54,000 ये खुफिया इदारों के जो अहलकार हैं ऐसे हैं जिनको
तमाम अमरीकी शहरियों का जो पर्सनल डेटा है, खुफिया दस्तावेजात हैं, उन तक मुकम्मल रसाई हासिल है। इसी के हवाले से अमरीका के एक पता नहीं दानिश्वर ने या किसी पॉलिटिशियन ने मेरा ख्याल है कहा था कि जिन्ना खादिया गाजरें ढेड उन्हों के पीड़ यार हंस क्यों रहे, अमरीका में गाजरें नहीं होती है, ढेड नहीं होता। बात क्या की है तुमने यार, सारी दुनिया पे उन्होंने खुद दहशत फैलाई है, अब घूम घुमा के वापस उन्हीं के पास जानी थी। तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। सिर्फ अमेरिका के अंदर इन इदारों और एजेंसियों के दफातर की तादाद 10,000 से तजावज कर चुकी है। और रिपोर्ट यह बताती है कि जितनी वॉशिंगटन डीसी की कुल आबादी है उससे 1.5 गुना ज्यादा लोग जो हैं वो इन एजेंसियों के पेरोल पर हैं। और खुफिया एजेंसियों के पेरोल पर होने वालों की यह तादाद अमरीकी शहरियों की है। दुनिया भर में अगर फैले हुए उनके एजेंट्स और जो पेरोल पर उनके मुलाजमीन है उनकी तादाद का अंदाजा लगाया जाए वो तो करोड़ों में पहुंचता है। हाय 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 हाय, मेरा ख्याल है अमरीका को अपना नाम बदल लेना चाहिए, जसूसाबाद होना चाहिए उसका। हाँ, जितने उधर जसूस है मुझे तो लगता है कि जसूस दूसरे जसूस की जसूसी करता है। यार इस काम में से उन्होंने क्या जसूस, मेरा मतलब है जूस निकाल। मुझे तो लगता है और साल दो साल बाद वो मेहमानों को पूछा करेंगे, भाई जी आप मैंगो का जसूस लेंगे या स्ट्रॉबेरी का, वैसे ऑरेंज जसूस भी पड़ा हुआ है फ्रिज में। यार इससे भी ज्यादा चश्म कुशा हकायक है वो ये है कि इस वक्त एनुअली अमेरिका में पूरी दुनिया से 50,000 के करीब रिपोर्ट्स मौसूल होती हैं, उनके जो पूरी दुनिया में फैले हुए जो उनके एजेंट्स हैं जो अमेरिका में भेजते हैं 50,000 एनुअली, और वहां पर बैठे हुए हजारों माहिरीन जो हैं वो उनका जायजा लेते हैं और सैकड़ों सफात पर मुश्तमिल फिर रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि उनमें से ज्यादातर रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कभी खुलती नहीं है। इसका मतलब है सारे अमरीकी आजकल जेम्स बॉन्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। और यार सबसे अजीब बात यह है कि अमरीका इस सारी बेफायदा मश्क पर $75 अरब से ज्यादा सालाना रकम खर्च करता है। $75 अरब, हाय हाय हाय, कितनी महंगी जेम्स बॉन्ड की फिल्म चला रहे हैं ये लोग। $75 अरब के तो गन्ने सटाए हो, पूरी दुनिया के लोग ठंडी गंडेरिये चूसते थे। अमान से आलू सुटाने थे, पूरी दुनिया के बच्चे मुफ्त चिप्स खाए। यार चिप्स तो मंगा दो एक मेरा। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं अल्लाह जानता, बड़ी खौफनाक मालूमात तुमने दी है, मंगाओ चिप्स।